वेलकम बैक सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम सेंडिंग यू यूनिट फोर्थ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आज सैटरडे है तो टाइप्स ऑफ ई कार्ड्स, टाइप्स ऑफ इमेंट तो था, ये ई कार्ड्स क्या होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ ई कार्ड्स, फर्स्ट गिफ्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्टोर वैल्यू कार्ड, राइट, डेबिट कार्ड, डिजिटल करेंसी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर इजी वे से। एटीएम कार्ड, फ्लीट कार्ड, चार्ज कार्ड, राइट, ये सारी चीजें हैं। लेट अस स्टार्ट विद द गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड क्या है, आपने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना और जिन्होंने सुना सबके लिए। गिफ्ट कार्ड एक तरह से ये कैश वाउचर होता है। आप दिवाली पे, होली पे, रक्षाबंधन पे अपने मोबाइल से दूसरे को बेच सकते हैं और इसके ऊपर आपको कई तरह की स्कीम्स मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने कजन को, मेरी माता जी ने कहा कि मैंने अपने कजन को दिल्ली में 55,100 कुंजा सो का गिफ्ट वाउचर भेजा अमेजोन की तरफ से। अमेजोन से मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा था, उसके साथ मुझे एक गिफ्ट कार्ड में मिला था। ये साइड में जब भी आप कोई शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो उसके साइड में कंडीशन लिखी होती है, लिखा होता है, निशान सा बना होता है गिफ्ट वाउचर। तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बड़े ध्यान से देखिए, इस तरह के कार्ड आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको कैश पैसे नहीं मिलते। उस गिफ्ट कार्ड से आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने कजन को गिफ्ट कार्ड भेजा कुंजासो का, मेरे कजन को कुंजासो आ गया, बट मैंने ऑनलाइन शॉपिंग भी की थी, प्रोडक्ट भी लिया कोई, तो उसमें मुझे उस पैसे से कैशबैक भी आया, 200 रुपया वो लेस हो जाएगा मुझे। यानी गिफ्ट कार्ड का पैसा आप अमेजोन की साइट पे, फ्लिपकार्ट की साइट के साइट पे, ईबे की साइट पे, ऑनलाइन साइट पे ही खर्च कर सकते हो, उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये एक तरह की अच्छी टेक्निक है जिसको काफी लोग आजकल यूज कर रहे हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स पे, गिफ्ट कार्ड, राइट। उसके बाद आ गए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का आपको पता है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जम्मू कश्मीर बैंक है, हर एक प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, सारे क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं अपने रिलायबल कस्टमर को, अगर कोई लेना चाहे वॉलंटरली। और उनके सेल्समैन भी, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो भी लोगों को इनकरेज करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन या खरीदो। जैसे बिग बाजार में चले जाओ, बोलते हैं मैम यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपको 90 दिन के अंदर पेमेंट करनी होती है। जैसे 2 लाख का या 4 लाख का आपने लिमिट बना ली, उस हिसाब से आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो क्रेडिट कार्ड 90 दिन के अंदर आपने अगर खर्च कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का क्रेडिट कार्ड है, आपने 1 लाख रुपए खर्च किया, तो 90 दिन के अंदर आपको 1 लाख वापस करना है। लेकिन 90 दिन के अंदर आप वापस नहीं करते, तो फिर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। अगर 2 लाख में से 1 लाख वापस कर, खर्च 2 लाख ही किया, मैंने 1 लाख वापस कर दिया टाइम पे, 1 लाख नहीं किया, तो 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट आपको लगेगा क्रेडिट कार्ड। ये है नया स्टोर वैल्यू कार्ड। स्टोर वैल्यू कार्ड क्या होता है, स्टोर वैल्यू कार्ड पर्टिकुलर स्टोर में चलता है। इसके मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे बिग बाजार में मैंने एक कार्ड बनाया था, तो वो था 2000 का। उसमें वो क्या करते थे, हर महीने हमें वो 2000 हमारा सेव है, बट हर महीने हम लोग उसमें से 100 रुपए की मुफ्त शॉपिंग कर सकते थे। तो ये स्टोर वैल्यू कार्ड बिग बाजार के स्टोर में ही चलता है और कहीं नहीं चलेगा। बिग बाजार का जम्मू में स्टोर है या दिल्ली में, वहां चल जाएगा, लेकिन किसी और स्टोर में, बिग बाजार के अलावा किसी और स्टोर में नहीं चलेगा। उनका एक कोड होता है RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इससे वो अपने देख लेते हैं कि कस्टमर के वॉलेट में, स्टोर वैल्यू कार्ड में कितने पैसे पड़े हैं, तो कितने की शॉपिंग। अगर मेरा 2000 का कार्ड है, मैंने अपने एक महीने में जनवरी में 100 रुपए की शॉपिंग कर ली, राइट, मुफ्त की, 2000 मेरा वैसे ही पड़ा रहा, तो 2000 को मैं अगले भी कर सकता हूँ, उसी टाइम भी कर सकता हूँ। 2000 में से 400 की शॉपिंग की, मेरा 1600 रुपया उसमें सेव रह गया। तो स्टोर वैल्यू कार्ड में जितने का कार्ड है, उससे आप थोड़ी सी वैल्यू, हर महीने 100 रुपए एक्स्ट्रा की शॉपिंग वो कर सकते। डेबिट कार्ड इज अ कार्ड विच इज इशूड बाय द अकाउंट होल्डर बाय द बैंक। जैसे J&K बैंक का मेरा कार्ड है, तो मेरा अकाउंट है, मैंने वहां से कार्ड इशू करवा दिया, तो डेबिट कार्ड में जैसे मैं शॉपिंग करूंगा, मेरे अकाउंट में से पैसा कट जाएगा। आपका गिफ्ट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, स्टोर वैल्यू कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, देन ये बात डिजिटल करेंसी बाद में आता है, चार्ज कार्ड। सर ये चार्ज कार्ड क्या, क्रेडिट कार्ड 90 दिनों के लिए होता है, एक चार्ज कार्ड होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 महीने के लिए या 55 दिन के लिए, और इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ता। ये आप पर्टिकुलर शॉप से, कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी ये चार्ज कार्ड इशू करते हैं, या कहीं मॉल्स है वहां ये कार्ड वगैरह चलता है। जैसे बच्चे गेम खेलते हैं,
जैसे बे मॉल में जम्मू में था, प्ले स्टेशन था एक, तो वहां पे हम कार्ड चार्ज करवा लेते थे, तो डिफरेंट गेम्स के आगे जाके उसको हम स्वाइप करते थे, तो हम बच्चा वहां गेम कर खेल लेता था, बाद में अगर पैसे कर दोबारा से हम रिचार्ज करवा लेते। अब सर ये भी हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता फ्लीट कार्ड क्या होता है, राइट? फ्लीट कार्ड, सर फ्लीट कार्ड इज ए कार्ड विच वी हैव टू यूज फ्रिक्वेंटली एट पेट्रोल स्टेशन, गैस स्टेशन, फॉर पेट्रोल स्टेशन में पेट्रोल डीजल के लिए और गैस स्टेशन में गैस भरने के लिए हम यूज करते हैं, और अदर फ्यूल्स के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इवन हम कई तरह की वर्कशॉप्स होती हैं जो वहां भी हम लोग जाके उसको यूज कर सकते हैं, तो वर्कशॉप से भी, वर्कशॉप में भी हम लोग जाके यूज कर सकते हैं व्हीकल मेंटेनेंस आल्सो के लिए। एटीएम कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो डिजिटल करेंसी क्या होती है, डिजिटल करेंसी की हम लोग अगर बात करें, इसका मैं बाद में आपको बताता हूं, चलिए बंद कर दीजिए।